Hi students and welcome back to Bank Exams today, and I am back with the day 3 vocabulary from the Hindu. Basically we have done I think 20 words including day 1 and day 2, and I have today 8 words. They are of moderate level, they are not really very difficult, but I find that the students need to understand the words from the meanings, not by the guessing of their meanings. That's why we are here with the day 3 vocabulary, and there are some moderate kind of words. The first word is deterrent. Deterrent is a noun and it means to stop. कोई ऐसी चीज जो आपको काम करने से रोकती है या रोक के रखती है तो उसको deterrent बोलते हैं. और अगर इसके मीनिंग की हम बात करें, इसका रूट्स कहाँ से आए हैं, तो ये रूट्स हैं डीई, ये सफिक्स आपको बताया था, डीई मतलब एक नेगेटिव चीज, एंड टीई आर से आप टेरर ले सकते हैं. ठीक है, तो टेरर का मतलब है आपको डर रहता है और डर आपको रोकता है. तो डेटरेंस मीन्स आपको कोई चीज रोक रही है. अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो है डिस्करेजमेंट, आपको मोटिवेशन नहीं मिल रही है. ब्रेक, कर्ब मीन्स किसी चीज को कंट्रोल करना. रेस्ट्रेंट मीन्स रोकना. ओके, एंड इसके एंटोनिम्स क्या होंगे, मोटिवेशन, एनकरेजमेंट, एंड इंसेंटिव. इंसेंटिव सबको याद रहेगा कि इंसेंटिव एम्प्लॉयज को अच्छा काम करने के लिए मिलता है, तो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है. तो डेटरेंट का ऑपोजिट क्या होगा, इंसेंटिव, राइट. एंड डेटरेंट का एडजेक्टिव एंड एडवर्ब फॉर्म नहीं है, सिर्फ इसका एक वर्ब फॉर्म है डेटर. डेटर मीन्स रोकना. ओके, एंड अगर हम इसको सेंटेंसेस में यूज करें एग्जाम्पल्स की तरह, तो डेटर से क्या होगा, यू शुड नेवर लेट एनीथिंग डेटर योरसेल्फ. इट मीन्स कि आपको ऐसी कोई भी चीज नहीं करनी चाहिए जो आपको रोक दे. एंड अगर डेटरेंट की बात करें, नथिंग शुड कम एज अ डेटरेंट बिटवीन यू एंड योर ड्रीम्स. करेक्ट, तो डेटरेंट मीन्स कोई चीज आपको रोक रही है, तो आपको ऐसी कोई चीज नहीं करनी है जो आपको आपके ड्रीम्स को फुलफिल करने से रोक दे. डेटरेंट से आप ड्रीम रख सकते हैं, ड्रीम को पूरा करना है तो डेटरेंट नहीं होना है. देन सेकंड वर्ड है एफिकेसी. एफिकेसी एक नाउन है जिसका मतलब है कि किसी चीज का इन्फ्लुएंस कितना होता है. बेसिकली इट इज फॉर इन्फ्लुएंस. आपको एफिशिएंट वर्ड याद होगा, एफिशिएंट मतलब जो चीज काम करने में अच्छी होती है, तो आप एफिकेसी से इन एफिशिएंट को कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपको याद रहे कि एफिकेसी मीन्स जिस चीज का प्रभाव अच्छा पड़ता है. ओके, एफिशिएंट मीन्स जो चीज अच्छे हो काम करने में. और इसके सिनोनिम्स क्या है हमारे पास, इफेक्ट, इम्पैक्ट, इन्फ्लुएंस एंड फोर्स. फोर्स हमने यहाँ पर क्यों यूज किया है, क्योंकि एक फोर्स होती है जो हमें आगे लेकर जाती है, जिसका असर पड़ता है, इसलिए फोर्स को भी इसके सिनोनिम्स में रखा है. एंड देन एंटोनिम्स. एंटोनिम्स मतलब कि इनएबिलिटी. इनएबिलिटी क्यों, क्योंकि वो चीज़ हमें अपना प्रभाव देने से रोक देती है. इनकम्पीटेंस,
कि हम उस चीज़ को करने के लिए कम्पिटेंट नहीं हैं, ओके। एंड इसका एडजेक्टिव है एफिकेशियस। एफिकेशियस मतलब जो चीज़ बहुत प्रभावशाली होती है, प्रभाव से प्रभावशाली बना है, तो प्रभावशाली मीन्स एफिकेशियस। एंड वर्ब फॉर्म है, इसका कोई वर्ब फॉर्म नहीं है, तो हम सीधा इसके एग्जांपल्स पे जाएंगे। एग्जांपल्स के लिए एफिकेसी मीन्स द मेडिसिन हैज द एफिकेसी टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ पेन। इट मीन्स कि जो दवाई है उसमें पेन को खत्म करने का प्रभाव है। देन एफिकेशियस, द मेडिसिन इज वेरी एफिकेशियस। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज ट्रांसेंड। ट्रांसेंड एक वर्ड है, एक नॉर्मल सा वर्ड है जो हम डे टू डे लाइफ में कभी कभी सुन लेते हैं, लेकिन इसका जो रूट वर्ड है वो है ट्रांस। एंड ट्रांस का मतलब जो नॉर्मल लेवल से बहुत ऊपर हो, जिसकी पहुंच अबव या बियॉन्ड लिमिट्स जो होता है वो ट्रांस होता है, ओके। एंड ट्रांसेंड का मतलब है कि आप उस किसी चीज को एक्सेल कर गए, पार कर जाना। ये एक वर्ब फॉर्म है। एंड अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो पहला आएगा सरपास। सरपास मतलब आपने अपने लिमिट्स को क्रॉस कर दिया है। एक्सीड, आप मोबाइल का जो डाटा होता है उसकी लिमिट को एक्सीड करते हैं, दैट मीन्स यू हैव ट्रांसेंडेड द डाटा लिमिट। देन बीट, किसी को हरा देना। हराना मतलब उसकी लिमिट्स को आप क्रॉस कर चुके हैं, तो वो बीट हो जाएगा। एंड देन एक्सेल, ओके। एंड इसके एंटोनिम्स क्या हैं? सरेंडर, क्योंकि आप हार मान जाते हैं। लूज एंड लैक, किसी चीज की कमी के कारण आप पीछे रह जाएंगे तो आप लैक कर जाते हैं। ट्रांसेंड एक वर्ब फॉर्म है जिसका एग्जांपल मैं आपको देती हूं। अ गुड एजुकेशन विल हेल्प यू टू ट्रांसेंड सोशल बैरियर्स। देन इसका नाउन फॉर्म है ट्रांसेंडेंस। ट्रांस सी सेन डेंस, ट्रांसेंडेंस, ट्रांसेंडेंस, ओके। सो इसका जो मतलब है कि आपने उस चीज को पार करना है। He supposes real as well as imaginary transcendence in आइडल्स। आइडल्स यहाँ पर जो हम गुरु या फिर किसी और को अपना गुरु मान लेते हैं, मेंटर मान लेते हैं, तो उसको लगता है कि रियल एज वेल एज इमेजिनरी ट्रांसेंडेंस इन आइडल्स, कि जो आइडल्स हैं उनके पास रियल का कुछ ऐसे पावर होता है कि वो सरपास कर जाते हैं, और कुछ इमेजिनरी। तो कुछ तो रियल है आइडल्स में, लेकिन कुछ इमेजिनरी ट्रांसेंडेंस भी होता है। देन इसका एडजेक्टिव है
ट्रांसेंडेंटल, ट्रांसेंडेंटल ओके, एंड इसका एग्जांपल है ट्रांसेंडेंटल मेथड इज नॉट वल्नरेबल। वल्नरेबल मतलब जिसको हम क्षति या नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो जो चीज़ों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता, कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं लाइक वेज ऑफ गॉड जिनको हम कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, तो ट्रांसेंडेंटल मेथड्स आर नॉट वल्नरेबल। मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड दैट इज सैंक्टिफाइड। सैंक्टिफाइड एफ आई ई डी लगा हुआ है तो वर्ब है, और जिसका मतलब है पवित्र करना, किसी चीज़ को प्यूरीफाई करना, मतलब सैंक्टिफाइड करना। आपको सेंट वर्ड याद होगा, सेंट होते हैं जो प्योर होते हैं, तो वहाँ से आपने सैंक्टिफाइड को याद रखना है। सैंक्टिफाई इसका बेसिक वर्ड क्या है, सैंक्टिफाई से सैंक्टिफाइड बना है। तो इसके सिनोनिम्स क्या हैं, प्योर, पायस, एंड होली, राइट। एंड एंटोनिम्स क्या होंगे फिर इसके, इम्प्योर, कंटामिनेटेड एंड पोल्यूशंड। जो चीज़ प्योर नहीं है वो पोल्यूशंड है। नाउन फॉर्म अगर हम इसका निकालें तो आएगा सैंक्टिफिकेशन, कोई एडजेक्टिव कोई एडवर्ब फॉर्म नहीं है इसका। और एग्जांपल्स में यूज करेंगे तो द सैंक्टिफिकेशन ऑफ दिस हॉन्टेड हाउस इज नेसेसरी। ओके, एंड सैंक्टिफाई को अगर हमें सेंटेंस में यूज करना है, दिस प्रेस्ट विल सैंक्टिफाई द हॉन्टेड हाउस। क्लियर। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है रेजिस्टेंस। आपके पास वाटर रेजिस्टेंट घड़ी होती है, फोन होता है, तो रेजिस्टेंस मीन्स जो आपको बचा ले, ठीक है, प्रतिरोध करना किसी चीज़ का, वो होता है रेजिस्टेंस। लेकिन अगर वो चीज़ आपको प्रोटेक्ट करती है तो वो तो तब पॉजिटिव हो जाती है। अगर हमने रेजिस्टेंस किसी चीज़ को मना करने के लिए यूज़ किया है, लाइक हम प्रतिक्रिया दिखा रहे हैं अपनी किसी चीज़ के अगेंस्ट, तो रेजिस्टेंस नेगेटिव में भी यूज़ हो सकता है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस का मतलब है प्रतिरोध करना या बचाव करना। एंड रेजिस्टेंस एक नाउन है, जिसके सिनोनिम्स हैं प्रोटेक्ट करना, ओपोज करना। ओपोज फिर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, कि हम किसी चीज का विरोध कर रहे हैं। एंटोनिम्स में क्या आएगा, एक्सेप्टेंस, क्योंकि हम अगर चीज का विरोध नहीं करें तो इसका मतलब हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, सरेंडर, या फिर सबमिशन। सबमिशन मतलब हम किसी के आगे हार मान लेते हैं। अब रेजिस्टेंस का अगर हम नाउन फॉर्म में एग्जांपल लें तो क्या आएगा, अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड टू फाइट टेररिज्म, कि हमें एक प्रतिरोध करना होगा आतंकवाद से निपटने के लिए। अगर इसके वर्ब फॉर्म की हमने बात करनी है तो वो है रेसिस्ट, ये इजी है,
आई विल रिजिस्ट द आइसक्रीम एज आई एम ऑन डाइट. एंड एडजेक्टिव क्या है? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंट. रेजिस्टेंट मीन्स कि आपने किसी चीज का विरोध किया है या विरोधी हो गए हैं. द एम्प्लॉयर, द एम्प्लॉयज शोड द एम्प्लॉयज वर शोइंग रेजिस्टेंस. यहां पर हमने एक नाउन की तरह यूज किया है. ही वॉज रेजिस्टेंट टू द कंपनी. तो यहां पर हमने कंपनी के लिए रेजिस्टेंट मतलब कि वो कंपनी का विरोध कर रहा है, उसका विरोधी हो गया है. राइट, मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड, डेट इज पेनलाइज. पेनलाइज कहां से आया है? पेनल्टी से. पेनलाइज का मतलब एक वर्ब है कि दंड देना किसी चीज किसी को. तो सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? पनिश, चेसन, पेडल. एंड एंटोनिम क्या होंगे? अगर हम किसी को पनिशमेंट देते हैं तो उसका एंटोनिम क्या होगा? ऑनर, रिवॉर्ड या एप्रिशिएट. ओके, एंड इसका वर्ब फॉर्म है पेनलाइज. तो इसको यूज कैसे करेंगे? द क्रिमिनल्स वर पेनलाइज्ड. और इसका नाउन फॉर्म है पेनल्टी. पेनल्टी को कैसे करेंगे? ही इम्पोज्ड अ पेनल्टी ऑन द स्टूडेंट्स. कि स्टूडेंट्स को एक दंड दिया गया या फिर उन पर फाइन लगा दी. यहाँ पे पेनल्टी फाइन के लिए यूज हुआ है. देन नेक्स्ट वर्ड है फ्लाउटिंग. फ्लाउटिंग मीन्स किसी का मजाक उड़ाना, किसी की बात का उल्लंघन कर देना. बेसिकली ये फ्लाउटिंग वर्ड उनके लिए यूज होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफिशियल या गवर्नमेंट नोटिस का को फॉलो नहीं करते हैं. तो फ्लाउटिंग मीन्स मजाक उड़ाना या फिर अवज्ञा कर देना. सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? रिफ्यूज, डिसओबे, रिबेल एंड डिफाई. और एंटोनिम्स क्या होंगे? अगर हमने मना किया है तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? एक्सेप्ट करना. एक्सेप्ट, अप्रूव या फिर फॉलो. और इसका हमने सिर्फ एक वर्ब फॉर्म ही बनाया है जिसका मतलब है फ्लाउटिंग मीन्स मजाक उड़ाना. ही इज फ्लाउटिंग द अथॉरिटी टू मेक हिमसेल्फ सुपीरियर. कि वो अथॉरिटीज का मजाक उड़ा रहा है ताकि वो खुद को उनसे बड़ा या ताकतवर दिखा सके. फ्लाउटिंग का कोई भी एडवर्ब या एडजेक्टिव फॉर्म नहीं आएगा, ना ही कोई नाउन फॉर्म आएगा. देन है रेपरकर्शन. रेपरकर्शन का मतलब होता है प्रतिक्रिया दिखाना अपनी. ये एक नाउन है और
इसका सिनोनिम है कि जिस चीज का रिजल्ट, रेपरकशंस मीन्स कि आपका उसका जो काम किया है या फिर कोई भी एक्टिविटी है उसका आगे रिजल्ट क्या होने वाला है, तो इसका सिनोनिम्स क्या आएंगे, कॉन्सिक्वेंसेस। आउटकम या फिर रिजल्ट, यहां पे आप इसको नतीजा भी लिख सकते हैं। एंटोनिम्स क्या होंगे, वीकनेस, जब हमारे पास पावर नहीं होती हम वीक हो जाते हैं तो उस चीज का कोई भी रिजल्ट नहीं होता है, तो इसलिए वीकनेस। इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस कोई पावर नहीं है, और अगर हमने इसको यूज करना है तो द स्टूडेंट्स शोड ग्रेट रेपरकशन अगेंस्ट फी हाइक। और ये हमारा आज का लास्ट वर्ड था। आज हमने बहुत कम वर्ड्स किए हैं, लेकिन जितने वर्ड्स किए हैं आप उन सबको रिवाइज कीजिए, ठीक है। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप कर दीजिए अपनी क्वेरीज को, अपने क्वेश्चंस को, ताकि मैं उसको रिप्लाई कर सकूं। एंड एज यू नो मैं हर कमेंट पर रिप्लाई करती हूँ, तो सो आपको सबको कमेंट्स करने हैं, और उसके पहले आपको जीके डाइजेस्ट डाउनलोड करनी है। और ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, आप मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो उसके लिए भी थैंक यू। अगर आपने अभी तक जीके डाइजेस्ट एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज़ उसको डाउनलोड कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक्स कीजिए, कमेंट्स कीजिए, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और नए वीडियोस आपके लिए लेकर आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।